चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम रीजनिंग क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, सब्जेक्ट रीजनिंग, चैप्टर 17, टॉपिक सीरीज कंप्लीशंस, लेक्चर 1. ओके स्टार्ट. वट इज सीरीज? द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द गिवन सीरीज, आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज एंड आइदर कंप्लीट द गिवन सीरीज विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट और फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. तो बेटा, सीरीज़ का मतलब होता है जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये पता लगाना होता है सीरीज़ में कि हमारे सामने क्या पैटर्न दिया गया है, किस पैटर्न के द्वारा हमने अपनी सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है और अब हमें अगली सीरीज़ को कैसे करना है. तो बेटा, सीरीज़ का मतलब ये होता है. ओके, तो बेटा आज सुबह एडगोआ पर मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन डाले थे उन्हीं 5 क्वेश्चन की ये सॉल्यूशन वीडियो है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये. ओके बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द सीरीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 9, 21, 81. आई रिपीट अगेन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 9, 27, 81. नेक्स्ट, अब हमें इस सीरीज में ये पता लगाना है कि ये ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं कि इस सीरीज में इन ऑप्शन में से कौन सा सीरीज इस सीरीज को कंप्लीट करेगा, कौन सा नंबर. ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया हुआ है. जैसे बेटा आपके सामने क्या दिया हुआ है, 9, 3 × 3 = 3. तो बेटा हम इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे आपके सामने दिया हुआ है 9, तो हम इसे कैसे करेंगे. 9 हमको पता है, 9 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे. 3 × 3 यानी 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमारा 9 निकल के आ गया. अब आगे क्या दिया हुआ है, 27 को हमने 3 टाइम लिखा है, 3 × 3 × 3 3 टाइम हो गया, आ गया 27. ओके, आगे क्या दिया हुआ है, 81 को यानी 3 को हमने 4 टाइम लिखा हुआ है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 एंड 27 × 3 = 81. ओके, चल रही है. आगे हमें पता चल गया 81. तो आगे हमें क्या पता लगाना है कि अब सीरीज़ में कौन सा नेक्स्ट नंबर है जो यहाँ पर सीरीज़ को कंप्लीट करेगा. तो हमने क्या किया है, 3 को हमने 5 टाइम लिखा हुआ है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243. तो हमारा ऑप्शन में आपको देखना है ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, 243. इज दैट क्लियर. ओके, तो बेटा आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में सीरीज, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए सभी बच्चे क्या है, 11, 21, 36, 56. तो बेटा अब हमें इस सीरीज में ये देखना है कि 11 और 21 में कितना गैप है. तो 11 और 21 में बेटा गैप है 10. ओके, 10. फिर 21 और 36 में कितना है, 15. ओके बेटा, 15. और फिर 36 और 56 में कितना है, 20. तो आपने देखा ऊपर की यह सीरीज बनी है 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 में 5 प्लस करेंगे 20, 20 में 5 प्लस करेंगे 25. तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 25. और 25 में हम 56 और 25 को प्लस करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं वैसा, 56 25 को ऐड करो, 6 × 5 = 11, 1 carry, 5 × 2 = 7, 1 carry 8. ये हो गया हमारा आंसर 81. तो आप ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी, किस ऑप्शन में 81 आ रहा है, सी
इज अ राइट आंसर. सी में हमारा 81 आ रहा है. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है, हमको ये पेयर बना लेने. 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा 16. अब हमने 5 और 25 का पेयर बनाया, 5 जा 25. अब हमने 6 और 36 का, 6 जा 36. नेक्स्ट क्या है, 7 जा 49. इज दैट क्लियर बेटा? आ गया आपको समझ में इसमें पेयर बनाने? ओके बेटा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. यहाँ पे नंबर दिया है 1, 8, 27, 64, 125. आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे मैंने नंबरिंग दे दी 1, 2, 3, 4, 5. हमें इसका आंसर निकालना है. यहाँ पे क्या आएगा, 6. अब देखिए बेटा, अब ये जो नंबर 1 है इसको मैंने 3 से मल्टी कर दिया. 1 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1. अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं अगर मैं तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27. अब देखिए 4 को 3 टाइम करना है आपको तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64. 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125. अब इसका आंसर आपको सॉल्व करना है. तो 6 को आपको 3 टाइम करना है. देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216. राइट आंसर इज 216. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 1, 9, 25, 4, 16, 36, 9, 25. नेक्स्ट आंसर आपको सॉल्व करना है. अब देखिए बेटा, यहाँ पे भी आपको पेयर बनाना है. ये देखिए, इस बार हम 3 का पेयर बना रहे हैं, 1, 9 and 25. नेक्स्ट पेयर 4, 16 and 36. थर्ड पेयर 9, 25. और ये डिजिट हमें चूज करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा. ओके, अब आप चेक करो कि इसे भी अगर हम सीरीज में करें तो कैसे करेंगे. 1 आपका ऑड नंबर है, 9 भी आपका ऑड नंबर है एंड 25 भी आपका ऑड नंबर है. नेक्स्ट डिजिट देखिए, 4 आपका ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है. 16 आपका इवन नंबर है एंड 36 इवन नंबर है. नेक्स्ट जो डिजिट दी गई है 9, वो ऑड नंबर है. 25 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे भी ऑड नंबर ही आएगा. ठीक है, देखिए 1 यहाँ पे अगर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9. 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25. फिर अब इवन नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 2 जा 4. 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16. 6 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36. अब इधर देखिए 3 को फिर हम 2 टाइम करेंगे तो 3 3 जा 9. 5 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25. अब नेक्स्ट देखिए 3 5 एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7. हमारा ऑड नंबर क्या होगा, 7. 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको तो 7 7 जा 49. ओके, क्लियर? हमारा आंसर क्या आएगा,
49। ओके बेटा, क्लियर? तो बेटा सबको समझ में आ गए ये पांच क्वेश्चन? बेटा यही वो पांच क्वेश्चन थे जो मैंने ऐड क्वा साइट पर आपको होमवर्क के लिए डाले हुए थे, ठीक है? अब जिस भी बच्चे ने वो नहीं करें, ये मेरी सॉल्यूशन वीडियो देखकर वो अपने पांच क्वेश्चन करके मेरी मेल आईडी पर मुझे अपना होमवर्क सेंड कर देना। ओके बेटा, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरी नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट और क्वेरी पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।